हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने अपने खड़ी हुई है भाई बलेनो। अब भाई बलेनो है ना, ये कोई मतलब नॉर्मल बलेनो नहीं है, ये काफ़ी अभी जो है ना मार्केट में हाइप क्रिएट हो रही है इस चीज़ की। और ये है क्या भाई, ये CNG है भाई। ये अपने है ना मतलब माइलेज के लिए जो है हाइप इसकी क्रिएट होती जा रही है, और धीरे धीरे है ना इसके रेट भाई बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पे दिन। और अभी जो है ना 9:30 के आसपास इसका ऑन रोड जो है दिल्ली में पड़ रहा है। ये अपना भाई डेल्टा वेरिएंट है। तो इसमें फ्रंट से बात कर लेते हैं भाई, लुक्स की आप देख सकते हो। इसमें सेंटर में ही आपको है ना क्रोम की ग्रिल मिल जाती है देखने को, साथ ही में फॉग लैंप वगैरह भाई इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। और बाकी प्रोजेक्टर वाले अपने LED हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं आपको। आगे से कुछ लुक्स ऐसी निकल के आती हैं आप देख सकते हो भाई, और CNG का लोगो मिल जाता है आपको फ्रंट में। और चाबी की बात करें तो वही नॉर्मल अपनी भाई ये मिल जाती है चाबी आपको, मारुति वाली जो जैसी देती आ रही है। बाकी ये जो है ना सेंटर लॉकिंग इसको आपको इनकी मिल जाती है। बाकी ये ऊपर से कवर लगा हुआ है क्योंकि भाई गाड़ी ये ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, अब इसमें काफ़ी सारा काम भी बाहर से हो चुका है। तो बात कर लेते हैं भाई साइड प्रोफाइल की अपनी। तो साइड प्रोफाइल में देख सकते हो आप 185/65R15 के इसके अंदर जो है स्टील रिम देती है कंपनी, साथ ही में व्हील कवर भी देती है जो कि भाई निकल के गिरने वाले नहीं है, अब ये नट से पूरे प्रॉपर लग जाते हैं। और ये वेरिएंट के साथ ही आते हैं, अलग से कोई एक्सेसरी नहीं है। बाकी साइड बिडिंग जो है एक्सेसरी का पार्ट है, डोर वाइजर भी एक्सेसरी का पार्ट है। और ये जो क्रोम डोर हैंडल आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये भाई क्रोम नहीं है, ये पेंटेड है, मतलब बॉडी कलर्ड मिलेंगे आपको जैसे कि ORVM देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी भाई इस पर एक्सेसरी का पार्ट है, ऊपर से कवर लगा हुआ है। और बात करें भाई पीछे की, और पीछे से आप देख सकते हो भाई CNG का लोगो मिल जाता है आपको। रियर वाइपर या फिर कैमरा आपको कोई नहीं देखने को मिलता इसमें। हाँ, आपको डिफोकर जरूर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है, और साथ ही भाई ऊपर एक पावर एंटीना देखने को मिल जाता है। भाई लुक्स की बात करें तो भाई लुक्स भाई किसी को पसंद आ भी सकती है, किसी को नहीं भी आ सकती, लेकिन भाई काफ़ी ज़बरदस्त है अपने सेगमेंट में, क्योंकि भाई इसके अंदर CNG आ गई तो वैसे भी जो है ना मोनोपोली क्रिएट हो गई है, हर गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती नहीं। टेल लैंप्स की बात करें तो भाई इस टाइप की टेल लैंप्स देखने को मिल जाती है। बाकी ये पार्ट जो है ना डिग्गी में, ये जलता नहीं है, ये आपका डमी है। बाकी यहाँ पर आपको जो है ये हो गया आपका इंडिकेटर का, ये रिवर्स लैंप हो गया, बाकी ये आपके ब्रेक लाइट वगैरह हो गई। और बूट की बात करें तो भाई बूट यहीं से खुल जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है मिल जाता है, ऐसा दो बार इसको खोला और बाकी यहाँ से बटन दबाया, ये खुल गया भाई अपना बूट। अब बूट देख सकते हो भाई आप CNG में कितना सारा आपको देखने को मिल जाता है, एक नंबर भाई। और है ना यहाँ पर ये पूरा टायर भी आपको ढका हुआ मिल जाता है इसमें स्टेपनी का। अभी तो खैर भाई गाड़ी चली नहीं, कुछ 226 किलोमीटर चली हुई है, और बूट स्पेस देख सकते हो कितना सारा बच जाता है। बाकी भाई ये पार्सल ट्रे भी अगर हटा दें तो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता है। और बात कर लें अगर भाई इसके पीछे की, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई चेंज करा लिए हैं ओनर ने, और 4 पॉइंट के आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। कैमरा भी भाई ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है इसके अंदर। तो एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं भाई, ये तो हो गई बाहर की बात, अंदर से देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आपको। तो भाई सबसे पहले तो है ना डोर की बात कर लेते हैं। डोर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको है ना सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है हल्का सा, और फैब्रिक है ऊपर से, यहाँ भी फैब्रिक लगा हुआ है, बाकी सॉफ्ट टच ही बोल लो इसे, और ये सारा प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक है। और साथ ही में बात करें तो 4 पावर विंडो मिल जाती हैं आपको इसमें, 1 टच डाउन 1 टच अप जो है ड्राइवर साइड मिल जाएगा, बाकी सारे भाई आपको दबा के रखने पड़ेंगे, वो तो जाएगा। लेकिन ऑटो फोल्डिंग ORVM और ऑटो एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही में लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स हो गए, ये आपका पावर विंडो लॉक के कंट्रोल्स हो गए। बाकी भाई CNG वाली गाड़ियों में मारुति की जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी आती हैं वो आप देख सकते हो, ये आपको हर CNG वाली गाड़ी में देखने को मिल जाएगी मारुति की। और यहाँ पर भाई स्टोरेज मिल जाती है, 1 लीटर की बोतल रख सकते हो आप, साथ ही में भाई थोड़ा सा स्पेस भी देखने को मिल जाता है। नीचे की बात करें तो भाई ये भी एक एक्सेसरी का पार्ट है। तो अंदर बैठ लेते हैं गाड़ी के, तो भाई अंदर बैठते के साथ है ना काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है अब गाड़ी के अंदर। वो पुराना टाइम गया जब मारुति को भाई डब्बा उब्बा बता दिया करते थे लोग, अलग ही लेवल की जो है मतलब अंदर फीलिंग आती है बैठने के बाद। बाकी चाबी भाई अपनी ऐसी मिलती है, कोई फ्लिप की या रिमोट की नहीं मिलती, तो आप देख सकते हो। और स्टेयरिंग की बात करें भाई, सबसे पहले स्टेयरिंग भाई आपका हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, टिल्ट मिल जाएगा बस। और साथ ही में यहाँ पर आपको इस टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो गाड़ी 226 किलोमीटर चली हुई है अभी, बाकी
हाँ, और यहाँ से भाई इसका जो है एवरेज वगैरह दिखाती है, 5.5 की अभी पेट्रोल पे दिखा रही है सिटी के अंदर। तो भाई ये अच्छी चीज़ लगती है, बेस मॉडल से ये ना, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और ESC जो है ना, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये आपको देखने को मिल जाता है बेस मॉडल से ही गाड़ी में। और साथ ही में भाई ये CNG वाली है, तो इसमें आपको ये CNG2 पेट्रोल वाला वो भी दिख जाएगा। और बात करें भाई गाड़ी में वाइब्रेशंस की, स्टार्ट करता हूँ एक बार, क्लच दबाया भाई, इतना सा सेल्फ लिया और लेते के साथ गाड़ी हो गई स्टार्ट। अंदर भाई वाइब्रेशन भाई पता भी नहीं लग रहा, गाड़ी जो है स्टार्ट है भी बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है 1% भी, और बहुत ही ज्यादा जो है साइलेंट है भाई गाड़ी। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ आपको मिल जाता है बोनट खोलने के लिए, साथ ही में फ्यूल टैंक खोलने के लिए। और फ्यूल टैंक एक बार खोल ही लेते हैं, बाकी भाई इसके अंदर भी जो है ना वो सेफ्टी फीचर मारुति देती है। जैसे मैंने फ्यूल टैंक खोला, खोलते के साथ भाई गाड़ी हो गई अपनी बंद। अब भाई मैं कितने भी सेल्फ दे लूं पर भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अपनी, ये भाई सेफ्टी के ऊपर है ना, मारुति थोड़ा बहुत तो काम कर रही है अपना। और यहाँ पर भाई आपको कनेक्टेड पूरा जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि भाई अपना एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले से कनेक्ट हो सकता है। बाकी दो कप होल्डर आपको आगे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से भाई आपका वायरिंग जाएगी जो मतलब वायर्ड है ना कार प्ले, और यहाँ से भाई अपना चार्जर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC की यूनिट मिल जाती है, हजार्ड लैम्प का स्विच यहाँ देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात करें डे नाइट IRVM मैनुअल देखने को मिल जाता है। आगे भाई आपको इस टाइप के जो है कैबिन लैम्प देखने को मिल जाता है, साथ ही में बीच में भी आपको कैबिन लैम्प देखने को मिल जाता है। और 3 पॉइंट के मतलब 3 ग्रैब हैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। और सनवाइजर की बात करें तो पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपको CNG वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलेगा भाई इसमें। और स्टीयरिंग भाई कुछ ऐसा है, ये हालांकि इस पे जो रैप हो रखा है ना, ये लेदर रैप्ड, ये बाहर से हो रखा है, ये कंपनी से नहीं आता। हॉर्न की बात करें, इस टाइप का ड्यूल टोन हॉर्न आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और अभी भाई ग्लोव बॉक्स की बात करें, इस टाइप का ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, खास स्टोरेज तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी खासी काम चला हुआ है। तो भाई ये तो हो गई आगे की बात, अभी गाड़ी के है ना पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो भाई ड्राइविंग सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और पीछे चल के देखते हैं कितना कुछ स्पेस जो है मेरे को देखने को मिल जाता है ये बलेनो CNG में। तो पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं। और हाँ भाई, एक स्टोरेज आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है जो कि भाई काफी जबरदस्त है, यहाँ आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो आराम से। तो पीछे चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं। हाँ एक चीज भाई मेरे को इसमें जो बुरी लगी ना, इसमें भाई आर्मरेस्ट नहीं है, आर्मरेस्ट होना चाहिए। बाकी अब आफ्टर मार्केट बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आप कहीं से भी लगवा सकते हो। तो एक बार पीछे चलते हैं और पीछे चल के देखते हैं भाई कितना स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भाई डोर को कर लेते हैं ओपन, ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे जो है ओपन हो जाता है। और बाकी बैठे तो डोर की बात करें, यहाँ से भाई आपको ब्लैक डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं, जैसे आ गए हैं सेम ये पावर विंडो के कंट्रोल हो गए। सॉफ्ट टच वगैरह का यहाँ यूज़ कर रखा है भाई, फैब्रिक ही बोलो इसे, कोई सॉफ्ट टच बोलो ही मत। बाकी 1 लीटर का बॉटल स्पेस और छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है आपको सामान वामान रखने के लिए। बाकी ये करा मैंने डोर बंद, यार स्पेस तो अच्छा खासा है गाड़ी के अंदर, लोग खामा खामा क्रिटिसाइज करते हैं, देखना कितना सारा तो मेरे को लेग रूम देखने को मिल रहा है। हेडरूम की भी बात करें तो वो भी अच्छा खासा है भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो अपना, और साथ ही में पीछे भी एक चार्जिंग का सॉकेट देखने को मिल रहा है आपको, ये काफी बढ़िया बात है भाई। और बीच में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता आपको देखने को, हालांकि भाई इसमें है ना 60-40 स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। और हेडरेस्ट की बात करें तो भाई पांचों एडजस्टेबल हैं, मैं 2-4 नहीं कर रहा, 5 फ्रंट के भी एडजस्टेबल है, पीछे 3 एडजस्टेबल है। तो एक बार भाई पीछे चल के बूट दिखा देता हूँ आपको ना, एक्चुअली बूट तो कवर हमने कर दिया, अब है ना भाई इसका एक फ्यूल टैंक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से भाई आपकी जो है CNG रिफिल होगी, देख सकते हो ये काफी ढंग का सिस्टम जो है अब निकाल दिया है, मतलब NGV नोजल इसे बोलते हैं, यहाँ से आपका फ्यूल जो है इसमें भर जाएगा। और ये क्या है, अप टू E20 पेट्रोल ओनली, यानी कि एथेनॉल की मात्रा 20% होगी, चल जाएगी भाई, समझ रहे हो, धीरे धीरे जो है ना मार्केट बढ़ती जा रही है आगे आगे। बाकी 55 लीटर का इसमें जो है CNG का वाटर कैपेसिटी मिल जाएगी CNG के सिलेंडर की, और सिलेंडर जिस हिसाब का लगा हुआ है वो आप देख सकते हो भाई, बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। तो भाई मारुति भी अपना दिन पे दिन है ना गाड़ियों को अपग्रेड करता जा रहा है, एक नंबर। अब देखो भाई उधर खड़ी है अपनी LXi CNG वैगनार,
और भाई ये भी सीएनजी वाली है, ये भी एक तरीके से भाई इसका तो एलेक्सा ही कह लो, क्योंकि भाई ये जो है डेल्टा वाला वेरिएंट है। अब डेल्टा में सीएनजी निकाल दी, फिर भी भाई इतने सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको, भाई कमाल है। मारुति को भाई सही में अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि भाई एक तो वो अपने एनवायरमेंट की तरफ देख रही है, पोल्यूशन वगैरह कम कर रही है, साथ ही में भाई मजा बांध दिया गाड़ी में, लग्जरीनेस फील हो रही है जो होनी चाहिए। मतलब इतने पैसे खर्चने के बाद भी बंदे को ये नहीं लगता कि कोई सस्ती गाड़ी में बैठा हुआ है, तो चलने में भी सस्ती पड़ती है भाई। माइलेज की बात कर ले तो भाई काफी जबरदस्त निकाल के देती है जो भी दे रही है, पेट्रोल पे और सीएनजी पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। और फ्यूल मतलब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो वो भी भाई आपके स्क्रीन पे लिखी आ रही होगी। तो कैसी लगी भाई वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।